आज 2.5 महीने के बाद वो मंडी और कुल्लू के दौरे पर आए हैं, पर हिमाचल प्रदेश की मातृशक्ति महिलाएं उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उन्होंने सोलन में अपने स्पीच में कहा था कि 15 दिन के अंदर महिलाओं के खाते में 1500 रुपया आएगा, और उसका जवाब उन्होंने वहां भी नहीं दिया और प्रेस वार्ता में भी वहां उनसे पूछा गया था पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और मेरी उनसे यही विनती है कि जो इलेक्शन टाइम है, झूठी गारंटियों देकर आपने प्रदेश में सरकार बनाई है और प्रदेश की जनता आपकी झूठी गारंटियां मानकर आपको सत्ता में लाए हैं, इसी घड़ी में हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसी कोई मातृशक्ति नहीं है जिनका इस आपदा में नुकसान नहीं हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। जो आपने इलेक्शन टाइम में वायदा किया है 1500 रुपये का, आप तुरंत हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को तुरंत वो 1500, हिमाचल प्रदेश के बागवानों की आपको आप सोचते, हिमाचल प्रदेश के बागवानों के बारे में आप सोचते तो प्रदेश की सरकार को कहती श्रीमती प्रियंका गांधी कि सारी सड़कें आप इमीडिएट खोलें और कोई भी बागवान ऐसा किसान हिमाचल प्रदेश में ना रहे जिसकी फसल खेत में सड़े। विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पालमपुर की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16